हाय फ्रेंड्स, जय माई की। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे ही होंगे। तो आपका स्वागत है मेरे चैनल में, जिसका नाम है राखी जोन। और आज है दीपावली, तो आप सबको हैप्पी दीपावली। दीपावली की बहुत 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 शुभकामनाएं आपको। माँ लक्ष्मी आपके ऊपर खूब बरसे, आपको धन लक्ष्मी दे, आपको सुख समृद्धि सब चीज़ दे। और आप देख सकते हो कि मैं अपने घर आ चुकी हूँ, मतलब अपने ससुराल आ चुकी हूँ मैं। और दिवाली और होली पे थोड़ी बड़ी पूजा होती है हमारे घर में, तो वहाँ पर सबको साथ में बैठना पड़ता है, तभी वो पूजा संपन्न होती है। तो बस उसी पूजा के लिए हम लोग आए हैं। और मैं घर की सारी सफाई वफाई सब कर दी है, और मैं बहुत दिनों से नहीं गई, तो बहुत धूल मिट्टी हो गई थी, तो मैंने कर दी है। और हाँ फ्रेंड्स, बहुत जल्द मेरी देवर की शादी होने वाली है, 1 महीना रह गया है शादी का। तो अब से हमारी जो शॉपिंग वगैरह वो सब स्टार्ट हो जाएगी। और कुछ मैं शॉपिंग के लिए भी आई हूँ और कुछ दीपावली के लिए भी आई हूँ। सो आज तो दीपावली का फंक्शन होगा, और अभी जो सजावट हम लोग करेंगे वो सब आप देखोगे। दक्षो भी अभी आपको हैप्पी दीपावली बोलेगा, और आप जितने भी बड़े लोग देख रहे हो सब दक्षो को आशीर्वाद देना। और बस आइए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। और नीचे भी इसके पापा भी पेंट कर रहे हैं नीचे, क्योंकि नीचे के घर में ही जो बड़ी वाली पूजा होती है वो नीचे घर में ही होती है, क्योंकि हमारे जो बड़ा बूढ़ा का जो स्थान है वो नीचे ही है, वहीं से शुरू से पूजा होती आ रही है, तो वहीं पे पूजा होगी आज रात की। तो आइए वीडियो करते हैं स्टार्ट, और आप लोग देखना और इन्जॉय करना। Myself wondering, what did happen to the last 10? I ran away with my life, fast forward, never turned back again. It's kind of funny that the more we pass time, the more we need to set them rewind. And 19 was the year I had to leave you, but now I'm seeing all the signs. Is this really happening? I can't believe it's true. I'm just as surprised as you. सभी मैं देख सकते हो, आराम कर रही हूँ। और बस घर आई हूँ मैं, देवर की शादी है तो बहुत सारे काम हैं जो मुझे ही करने हैं। तो अभी मैं ऊपर के घर में हूँ, क्योंकि नीचे पूरा फैला हुआ है, और वहाँ पर कुछ भी मतलब बैठने तक की जगह नहीं, पूरा घर फैला हुआ है, और इसलिए मैं ऊपर आई हूँ। ऊपर का घर मैंने साफ़ सफाई कर लिया है, और ऊपर अभी मैंने ये सूट पहना है नहा के। और बस फ्रेंड्स, थोड़ा सा आराम कर रही हूँ मैं, उसके बाद अभी सजावट थोड़ी सी कर लेंगे, अभी जब इनका थोड़ा नीचे का काम ख़त्म हो जाएगा। यहाँ बंदर बहुत सारे हैं, नहीं तो मैं खुद ही कर रही थी, बंदर बहुत सारे, अभी करूँगी ना तो अभी बंदर ले जाएंगे उठा उठा के सब चीज़, तो तभी करेंगे। और बस आप मेरे पन्नू को भी देखिए, वो भी तैयार होकर बैठा हुआ है। रात को हम जब और रेडी होंगे तो आपको और दिखाएंगे। सो फ्रेंड्स, ये आप पेड़ देख सकते हो, और जो मेरी वीडियो बहुत पुराने से देख रहे हैं,
काफ़ी टाइम से देख रहे हैं, उन लोगों को पता होगा कि ये मेरा पुराना घर है और यहाँ पर ये सारे पेड़ जितने भी आप देख रहे हो सब मैंने लगाए हैं। और ये तुलसी का पेड़ मैंने अपने कन्नों के लिए लगाया था और अब बहुत अच्छा लगता है, जब जब मैं आती तो मेरे कन्नों को तुलसी का पत्ता मिल जाता है। तुलसी जिस काम के लिए मैंने लगाई थी उस काम के लिए मेरी यूज़ हो जाती है, बहुत अच्छा लगता है मेरे को। और बहुत सारे पेड़ बहुत 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 बड़े बड़े हुए हैं, इतना सुंदर लगता है, पूरा हरियाली हरियाली सी लगती है, इतना मतलब अच्छा लगता है यहाँ बहुत ज़्यादा। और ये देखो दिवाली के लिए मेरे दोनों कन्नों को मैंने तैयार करके ऊपर ही बिठा दिया है, क्योंकि ऊपर कोई काम नहीं है तो नीचे बहुत ज़्यादा धूल मट्टी हो रही है, दोनों कन्नों के नाक मुँह में मट्टी घुस जाती, और इसलिए मैंने दोनों को ऊपर ला के बैठा दिया है तैयार करके। यहाँ पर आप देख सकते हो पेड़ कितने मतलब बड़े बड़े हो गए हैं, और अभी थोड़ा पानी नहीं डाला हुआ है तो थोड़ा से मुरझाए से लग रहे हैं, तो फिर मैंने शाम को इनमें पानी डाला तो ये बहुत सुंदर हो गए थे, बहुत प्यारे लग रहे थे। और यहाँ पर आप देख सकते हो कि दक्षु के जो पापा हैं वो कर रहे हैं यहाँ पर पेंट। और यहाँ पर ना कुछ भी फेस्टिवल होता है तो यहाँ पर गली में डीजे लग जाते हैं और गाने चलते रहते हैं, तो यहाँ पर दारू वाला गाना चल रहा था, मैं शराबी शराबी मैं शराबी, तो मैं उसी पर डांस कर रही हूँ। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि दिवाली वाला दिन है ये, और इस घर में पेंट कर रहे हैं क्योंकि शाम को इसी घर में पूजा होगी, इसलिए इसी घर में आके हमने सबसे पहले सारा सामान बाहर निकाला और फिर उसके बाद हम लोगों ने पेंट चालू करा। अभी ये ऊपर जो छत होती है वहाँ की कर रहे हैं, उसके बाद दीवार वीवार की करेंगे। और बस यहाँ पर ये हमने पिंक कलर घर में करवाया है क्योंकि पिंक कलर शादी ब्याह के घर में बहुत प्यारा लगता है, बहुत अच्छा लगता है। और पिंक कलर से ना लाइट वाइट भी बहुत ज़्यादा अच्छे से रोशनी देती है। और ये मेरे ऊपर वाला कमरा है जिसमें मैं थोड़ी सी मतलब सफाई करके इसमें मैंने मतलब ये झालर वगैरह लगा दी है। और यहाँ पर ये मैंने ऐसे करके ये वाली झालर मैं हर साल लगाती हूँ, हर साल मुझे बहुत 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 पसंद है ये, तो इस वाली झालर को मैं ज़्यादा लगाना पसंद करती हूँ और यही लगाती हूँ मैं। और अब जाके मैं जो हमारा बाहर का जो दरवाज़ा है वहाँ पर थोड़ी सी लाइटिंग वगैरह लगा दूँगी। और उसके बाद आप देख रहे हो कि दो दीवार इन्होंने पेंट कर दी है, और अभी भी सामने वाली जो दीवार है वो रह गई है अभी करने के लिए, तो उसको मैंने थोड़ा सा डार्क पिंक करवाया है, अभी आप बाद में देखोगे तो भी बहुत सुंदर लगेगी बहुत ज़्यादा। ये देखिए अभी इस पर एक दो बार और हो जाएगा तो ये बहुत सुंदर लगेगी। और यहाँ पर शाम का खाना बन रहा है, छोले चावल पूड़ी और हलवा और मिठाई वगैरह, ये सब शाम की पूजा के लिए है। और यहाँ पर ये छोले में छौंक लगा रही हूँ मैं, इसमें टमाटर प्याज धनिया लहसुन अदरक सब चीज़ का पेस्ट है ये, तो इसको अच्छे से भूनने के बाद फिर मैं इसमें छोले डाल के पका दूँगी। और ये पूड़ियाँ बन रही है, ये रात की जो हमारी पूजा होगी घर में उन सब के लिए है, छोटी छोटी सी पूड़ियाँ, इन्हें हमारे यहाँ खीकरी भी बोलते हैं। और ये मेरी सासू माँ मेरी हेल्प करवा रही हैं यहाँ पर। और ये मीठे वाले पुए हैं जो पूड़ियों पे रखे जाते हैं माई के भोग के लिए, ज़्यादा करके यही चलते हैं। तो यहाँ पर हमारी जो पूड़ी है ये बन के हो गई है तैयार, उसके बाद हम लोग जा रहे हैं ऊपर रेडी होने के लिए। और ये देखिए दक्ष अपने आप रेडी हो रहा है, मतलब किसी की हेल्प नहीं चाहिए उसको, अपने आप ही मतलब कपड़े पहनने में लगा हुआ है। और ये देखिए जीन्स, इसका नीचे से पजामा भी है बट उसने नहीं पहना क्योंकि उसको जीन्स पहननी थी, मैंने बोला बाबू नहीं इसका ये नहीं है, इसके ऊपर पजामा है पजामा पहनना है, तो कह रहा नहीं मुझे ये ही पहनना है, मुझे जीन्स ही पहननी है, मगर बहुत अच्छा लग रहा था ये। तो फिर मैंने भी ज़्यादा फोर्स नहीं करा, फिर मैंने भी इसको ये बोल दिया कि हाँ बेटा आप यही पहन लो। और ये मेरा देवर है, इसी की शादी होने वाली है अगले महीने, तो बस इंजॉय करेंगे, बहुत धूम मचाने वाले हैं, आपको सब वीडियो में देखने के लिए मिलेगा, बहुत मस्ती करने वाले हैं, सब चीज़ आपको वीडियो में देखने के लिए मिलेगी। और वीडियो में बने रहिए, यहाँ पर हो चुकी है शाम,
और अब पूजा के लिए हम लोग बैठेंगे, रेडी भी हो चुके हैं। मगर आज का जो वीडियो वो यहीं तक, तो वीडियो अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब शेयर कमेंट बेल आइकन को प्रेस जरूर करना ताकि हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको हमेशा मिलती रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय, जय माता।